अपन कवित्री ललित नृत्य का वाक उसका तीसरा पद पढ़ेंगे। दो पद अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को धूप क्या उतराई। अब इसने इसके बारे में बताया हमने कि व्यक्ति है वह सांसारिकता जो है जिसे मोह माया उससे दूर हट करके वह किसमें लीन होना चाहता है, भगवान की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से, सीधी रास्ते में आई थी, गई न सीधी राह, सीधी रास्ते में ना जा सकी, सीधी राह से आई थी लेकिन जा ना सकी। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या आ गया, लोभ लालच द्वेष अहंकार, ये सभी बातें उसके मन में आ गई। जैसे ही वो संसार में आई, संसारिकता को उसने देखा तो उसके मन में ये सभी चीजें आ गई। इसलिए यहाँ पर कवित्री कह रही कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कवित्री का कहना है कि इसने बहुत सागर पार होने का सीधा मार्ग भी चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हट योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। हट योग साधना मतलब उसने कठोर तपस्या की, जिससे उसके मन में क्या आ गया, अहंकार आ गया। ठीक है, तो वह हट योग साधना पे चल पड़ी। तो सुषुम सेतु, सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़िका के मध्य, जो यह नाड़ी ईड़ा पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित मानी गई है। कहने का तात्पर्य कि अपने शरीर के अंदर अगर अपन हट योग साधना करते हैं अर्थात कठिन तपस्या करते हैं तो उस समय ये नाड़ियाँ एवं क्या होती हैं, एकदम से जागृत होती हैं। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, दिन है वह पूरा उसका बीत गया, जेब टटोली कोड़ी न पाई, हट योग साधना में उसका मन है वह बैठ गया, हट योग साधना में उसका मन लग गया, जिससे उसके मन में क्या आ गया, अहंकार। और जब उसने पूरी साधना कर ली उसके बाद में उसके हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके मन में क्या आ गया, अहंकार आ गया। किस कारण से, क्योंकि उसने कठिन तपस्या की, उसको ऐसा लगा कि मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं है। तो जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब उसने देखा कि मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में क्या आ गया, अहंकार। माझी को क्या उतराई अर्थात क्या उतराई, कहने का तात्पर्य कि उसके हाथ में कुछ नहीं आया। कठिन मार्ग पर चलते चलते उसने हट योग साधना के कठिन मार्ग पर वह चल पड़ी। सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन वह बीत गया, भगवान की प्राप्ति के लिए उसका सारा जीवन भी बीत गया। अर्थात उसने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के बाद में उसका मन वह अहंकार से भर गया, वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी, गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास में नहीं थी। अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि हमें मध्यम मार्ग को हमें वह अपनाना चाहिए। तो इस तरह से ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, जैसे सुषुम सेतु किसे कहा गया, तो सुषुम सेतु उसे कहा गया, सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया, जो साधना करता व्यक्ति तपस्या करता है उससे उसके मन में है वो भावना जागृत होती है, उसको कहा गया। हट योग जो होता है सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं, वो सुषुम्नो नाड़ी है। ठीक है, कवित्री का दिन कैसे बीत गया, तो कवित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा का जीवन व्यर्थ में ही हट योग साधना में उसने लगा दिया। इस तरह से अपना ये तीसरा पद यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखना चौथा पद, थल थल में बसता है शिव, ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि थल अर्थात क्या होता है, स्थान, शिव मतलब प्रभु ईश्वर,
साहिब मतलब मालिक ईश्वर वही, थल थल में बसता है शिव, कण कण में स्थान स्थान पर जगह जगह कौन बसता है शिव, अर्थात प्रभु का निवास स्थान विद्यमान है। भेद न कर, तू भेद मत कर, क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान में तू भेद मत कर, ये सभी एक ही है और ईश्वर एक ही है। ठीक है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तूने सच्चा ध्यान प्राप्त किया है तो स्वयं को तू जान और वही है साहिब से पहचान, और उसी समय भगवान की प्राप्ति कर सकता है, वही भगवान उसी समय तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कब? जब तू हिंदू मुसलमान में जो मतभेद है उसको समाप्त करके उसमें एकता को स्थापित करेगा, उसी समय तुझे प्रभु की प्राप्ति है वह हो जाएगी। अब देखना इसका आशय क्या है, प्रस्तुत पद में कवित्री कहती है परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, फिर वापस रिपीट करती हूँ इसका जो भावार्थ है वह, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच जो भेद है वह ईश्वर का तिरस्कार करने के समान है। अगर तुम भेदभाव करोगे कि हिंदू है मुस्लिम है इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, भगवान का है वह कप्तान होगा। ईश्वर के सच्चे भक्त ज्ञानी का मनुष्य मनुष्य के बीच भेद की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना है, तो अपने आप को जानो सबसे पहले, तो वही ईश्वर को जान सकता है, वही ईश्वर को जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी लोगों के अंदर है वह विद्यमान है। ठीक है, कवियत्री ने ईश्वर को किस नाम से पुकारा है, इसमें शिव नाम से संबोधित किया ईश्वर को, क्योंकि शिव रूप में यह ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करता है। ठीक है, कवित्री ने ईश्वर से पहचान किसे बताया, कवित्री स्वयं को जान लेने से ईश्वर की पहचान में वह हो जाएगी। तो इस तरह से अपना ये कवित्री जो ललन है उसका जो बाघ है उसके जो चारों पद है वो यहाँ समाप्त हो गए। तो इस तरह से ये लेसन अपना यहाँ